लखनऊ में लगने जा रहा है भारत महोत्सव, अपना स्टॉल बुक करने के लिए दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। अब जबकि ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं, अखिलेश यादव ने वो कौन सी सलाह है जो नीतीश कुमार को दी है, आखिरी आस क्या है, अखिलेश यादव ने आज क्या कहा है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि एएसआई की रिपोर्ट ज्ञानवापी पर आने के बाद अब क्या किसी सुलह समझौते की कोशिश हो सकती है, विष्णु जैन ने किस तरीके से अपना रुख कड़ा कर लिया है ये भी बताएंगे, और मोहसिन रजा क्यों कह रहे हैं कि अब ये परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। नीतीश कुमार के पाला बदलने के खबरों के बीच इंडिया ब्लॉक में भारी बेचैनी है, और ये बेचैनी इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने इस इंडिया गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, अब वो पाला बदलने जा रहे हैं। जी हां, बात नीतीश कुमार की ही हो रही है, और नीतीश कुमार का पाला बदलना लगभग तय है। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने जब यूपी तक से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार को धैर्य नहीं खोना चाहिए था, उन्हें प्रधानमंत्री पद भी मिल सकता था, एनडीए में तो कोई गुंजाइश नहीं है, हां इंडिया अलायंस में जरूर इसकी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि मैं खुद पीएम का दावेदार नहीं हूं, लेकिन कम से कम यहां पर पीएम का पद खाली है, और ऐसे में नीतीश कुमार को दोबारा अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा है सुनिए। इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने नीतीश कुमार का तो नाम ले दिया, क्या आपको भी लगता है कि आपको मौका मिलेगा? आपने कहा हम में से किसी न किसी को जरूर मौका मिलेगा। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता, उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। जो दूसरे गठबंधन है मान लीजिए, उनके पास कम से कम चॉइस है, कोई भी बन सकता है, कोई भी दल का मतलब बन सकता है, उसमें आप भी हो सकते हैं। मैं उस रेस में नहीं हूं, ना मैं इस दौड़ में हूं। हालांकि नीतीश कुमार के पाला बदलने की वजह भी अखिलेश यादव इशारों में कांग्रेस को ही बताते गए, ये पूरा ठीक रहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही फोड़ दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर वक्त रहते इस इंडिया गठबंधन में ठीक से कोऑर्डिनेशन करती, सीटों का बंटवारा वक्त रहते कर ली होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और नीतीश कुमार गठबंधन में होते। सुनिए। ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी कांग्रेस पार्टी की, और मुझे याद है जिस समय गठबंधन को लेकर के पहली बैठक हुई थी और बिहार में उस बैठक को संपन्न हुआ था, बैठक हुई थी वहां, और यही तय किया गया था जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत है उस रीजनल पार्टी को सहयोग करना चाहिए, उस पार्टी को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है जो पहली मीटिंग में फैसला हुआ था अगर उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल चलेंगे तो इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन निकल करके आएगा। हमें उम्मीद अभी भी है कि बीजेपी का मुकाबला हर प्रदेश में जो पहले से दल कर रहे हैं वो करेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए। खैर, अब इंडिया ब्लॉक का स्वरूप क्या होगा ये आने वाले कुछ घंटों में या एक दो दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव के बयानों से साफ है कि ये बड़ा झटका लग चुका है। अब अगली खबर, और अब बात ज्ञानवापी के एएसआई रिपोर्ट की। एएसआई रिपोर्ट आ गई और इस एएसआई रिपोर्ट ने साफ साफ ये बता दिया कि ये मस्जिद नहीं, ये पहले का भव्य मंदिर रहा है और उसी पर इस नए ढांचे को खड़ा किया गया 17वीं शताब्दी में।
लेकिन जैसे ही एएसआई की रिपोर्ट आई, अब सुलह समझौते की बातें भी शुरू होने लगी हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन हिंदू पक्ष ने साफ कह दिया है कि कोई सुलह सफाई अब टेबल पर नहीं होगी। विष्णु जैन ने जब यूपी तक से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सुलह समझौते की कोई बात ही नहीं है, और अब इस मुद्दे पर और खास करके ऐसे मुद्दों पर जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उसमें न तो समझौते की कोई जगह है, ना ही इस मुद्दे पर बात करने की कोई जगह है। हवाला उन्होंने बाबरी मस्जिद का दिया कि तब जब बाबरी मस्जिद के वक्त भी समझौते की मेज पर बैठे थे, तब ये समझौता क्यों खत्म हुआ और अब मेज पर यानी टेबल पर कोई समझौता क्यों नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं विष्णु जैन। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं किसी ऐसी बातचीत की टेबल पे नहीं बैठूंगा जहां ये फॉर्मूला होगा कि इसके अलावा कोई और चीज पे बात मत करिए। बातचीत सिर्फ और सिर्फ इतनी हो सकती है, और वो आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, सबके सामने यही बातचीत है कि वो इस परिसर को छोड़ के चले जाए, यही बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट लैंड दे दी जाए 5 एकड़ की, पैसिफाई करने का काम कर दिया जाए, ये बातचीत नहीं हो सकती है। आप इस समाज की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया 350 साल तक। खैर, विष्णु जैन की तरफ से या हिंदू पक्ष की ओर से साफ साफ कह दिया गया कि अब इसे अदालत के जरिए ही वो लेकर रहेंगे। उधर मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है कि वो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। यानी कि इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अब एक मत है कि फैसला अब ज्ञानवापी का भी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। लेकिन बीजेपी के नेता हैं और मुस्लिम चेहरे हैं, पूर्व मंत्री हैं, मोहसिन रजा ने कहा कि मंदिर के साक्ष्य मिल चुके हैं। ऐसे में मुसलमानों को और खासकर उन मौलानाओं को, खासकर उन धर्मगुरुओं को जो मान्यता प्राप्त है, यानी कि जिनकी अपनी पहचान मुस्लिम कम्युनिटी में है, उन्हें आगे आना चाहिए। और अब जबकि पूरे के पूरे प्रमाण एएसआई से मिल चुके हैं तो फिर इसे सौंप दिया जाना चाहिए। सुनिए मोहसिन रजा ने क्या कहा है। मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, जो मान्यता प्राप्त धर्मगुरु हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए, पहल करना चाहिए, इससे पहले कि तमाम लोग अलग अलग बयान दें और बयान देकर माहौल को खराब करने का प्रयास करें। हालांकि मामला माननीय न्यायालय में है, न्यायालय में जाने के बाद आपको बोलने का अधिकार नहीं रह जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं रिपोर्ट क्या कह रही है और रिपोर्ट का आने वाला कल, वो भी हम सब समझ रहे हैं कि उसका रिजल्ट माननीय न्यायालय से क्या आएगा। जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर तो कोई फैसला आने वाला है ना। हम तो माननीय इसका उदाहरण है, मैंने कहा ना कि जो भी फैसला आएगा उसके अनुपालन में सरकार प्रतिबद्ध है काम करने के लिए। लेकिन अगर हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग या मुस्लिम धर्मगुरु इसमें आगे आकर पहल करें और दिल बड़ा करके आए आगे और कहें कि जो रिपोर्ट आई है, जो सार्वजनिक हुई है, हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करेंगे, जो रिपोर्ट आई है हम उसका इंतजार करेंगे, और आगे आकर बोलना चाहिए उन्हें। तो ज्ञानवापी पर आने वाले कुछ दिनों में जो सियासत है वो गरमाई रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा है, लेकिन उसके नेता एक के बाद एक ट्वीट करते जरूर दिखे जब कल एएसआई की रिपोर्ट आई। दोनों डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर क्या कहा था हम आपको दिखाते चलते हैं, लेकिन अब इस पर सियासत आने वाले वक्त में गरमाई रहेगी। हम आपको उन ट्वीट की कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ छोड़े जाते हैं। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।